अच्छा जिद मत कर, मैं जल्दी से पहले चोट को थोड़ा सा साफ करूं। नहीं दादी अम्मी, मुझे कोई पट्टी नहीं करानी, मुझे अम्मी का कर्ज उतारना है। आई होप अम्मी आपका कर्ज उतर रहा है राइट? शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा। तुम्हें अपना ये फैसला बदलना होगा सुभान। मन्नत तुमसे मोहब्बत नहीं करती है सुभान, और मेरा मानना है कि जिस रिश्ते में मोहब्बत ना होना वो रिश्ता उस पेड़ की तरह होता है जिस पर फल नहीं लगते। ऐसे पेड़ को कभी अपने आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वाह दुआ बेगम वाह, तुम्हारे जैसा दिलदार और हमदर्द ऐसा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। पहले आपकी बेटी जख्म देती, फिर आप उस पर मरहम लगा के अपनों में शुमार करने आ गई। इस शादी के लिए आप मना मत करिएगा, क्योंकि आपकी बच्चलन और आवारा लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। चिल्लाइए मत। जिनकी बेटियां मुंह काला करके आती है ना, उन्हें तो आवाज ऊंची करने का भी हक नहीं है। अगर इतना गुस्सा अपनी बेटियों को दिखाया होता ना, तो आज मेरे मरहूम भाई के नाम पर धब्बा नहीं लगा होता। जब मैंने इबादत को बुरा भरा कहा था तब तो आप बढ़ चढ़कर मेरे खिलाफ जा रही थी, क्योंकि तब मैं गलत थी। लेकिन अब मन्नत के मामले में मैं गलत नहीं हूं, तो फिर किस मुंह से उसकी तरफदारी कर रही है? बोलिए दुआ, कुछ तो शर्म करो दुआ बेगम, कुछ तो शर्म करो। दुआ अम्मी गलत नहीं है अम्मी, लेकिन आज भी आप गलत कर रही हैं। आपको मन्नत को गलत बोलने का हक नहीं है। हक है, उसने गलत किया है और मुझे गलत बोलने का पूरा पूरा हक है। अम्मी प्लीज रहने दीजिए, वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। क्या कहा तुमने? कौन सी बात, किस बारे में बात कर रहे हो और कौन सी बात दूर तक चला? यही कि मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। अगर मोहब्बत करना बच्चलन होने की निशानी है, गुनाह है, तो आप सॉरी, ये गुनाह तो आपने और अब्बू ने भी किया था। ये मत भूलिए, मैं आप दोनों का लव चाइल्ड हूं। आप दोनों के निकाह से पहले मैं आपकी कोख में सांसें ले रहा था। जब आप लोगों को मोहब्बत हुई थी ना, तो हैदर मामू और दुआ अम्मी ने आप लोगों का साथ दिया था, ना कि आप लोगों पे कीचड़ उछाला था।